हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक फ्लैट सर्कल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है, तो इसे मैंने एक्चुअली एक बिगनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आप बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप टोपी जब बनाते हैं उसमें बना सकते हैं, उसके अलावा बैग्स या थालपोश सब में इस तरह का बेसिक पैटर्न बनता है स्टार्टिंग जो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह का एक पैटर्न बनाया है। ये बिगनर्स के लिए है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। साथ ही मैं इसको इसे बनाते वक्त जब हम ट्रेडिशनल वे में जो बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं, ये नॉर्मल है। इसको मैंने यहाँ डबल क्रोशे को, सॉरी चेन थ्री को एक डबल क्रोशे काउंट करके बनाया है जो हम नॉर्मली बनाते हैं। तो उस समय बनाने पर आपको क्या होता है, इस तरह का एक सीम दिखाई देता है, और साथ ही में जहां हम ज्वाइन करते हैं वहां थोड़ा बहुत बड़ा गैप बन जाता है। तो उसका प्रॉब्लम हम थोड़ा बहुत इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है आज का पैटर्न। पैटर्न जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी ना भूलें। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। ये 4 mm का क्रोशे का हुक है और नॉर्मल एक 4-ply का अक्राइलिक यान है। आप किसी भी यान से इसे बना सकते हैं, बस एक बात का ख्याल रखिए, जब आप सर्कल बना रहे हैं तो जो भी आप यान यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप हुक ले लीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये जो सर्कल है थोड़ा या तो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा या बहुत झोल पड़ेगा। तो जितना हो सके जो आप यान यूज़ कर रहे हैं उसका सेम रेकमेंडेड साइज हुक ही यूज़ कीजिए। और हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको हम पहले एक स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए मैं यान को ऐसे लूँगी और एक्स की तरह बनाऊँगी, फिर इसको निकालेंगे और जो वर्किंग यान है उसको हम इस लूप से खींच लेंगे। तो इस तरह से मैं स्लिप नॉट बनाती हूँ। आप कोई और तरीके से बनाते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 4 chain stitch लगाएंगे, 4 chain stitch। तो ये 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ हमने 4 chain stitch बना दिए हैं। अब हम इसको एक सर्कल की तरह बनाएंगे। तो उसके लिए जो पहला जो चेन स्टिच है उसमें आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो हुक को इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए इन दोनों लूप में से इस तरह से निकालेंगे और अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अब हम पूरा इस सर्कल में वर्क करेंगे। तो यहाँ मैंने चेन 4 करके स्लिप स्टिच किया है। आप इसकी जगह अगर आपको मैजिक सर्कल यूज़ करना है तो वो भी आप बना सकते हैं, तो किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम राउंड 1 स्टार्ट करेंगे और राउंड 1 स्टार्ट करने के लिए हम चेन 2 लगाएंगे पहले। तो 1, 2 और ये जो 2 chain stitch है इसको हम डबल क्रोशे काउंट नहीं करेंगे। ये जो चेन स्टिच है वो हमारा फिलर स्टिच की तरह एक्ट करेगा। जैसे मैंने बताया था, जब हम नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से जब सर्कल बनाते हैं तो गैप आ जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए हम 2 chain stitch लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 डबल क्रोशे इस सर्कल में बनाएंगे। तो डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर कर लीजिए, आपके पास बीच में एक सर्कल है तो उसमें इंसर्ट कर लीजिए और अपने यार्न को इस तरह से पुल कर लीजिए। 3 loop है, यार्न ओवर करके पहले 2 loop में से ले लीजिए, फिर यार्न ओवर करके दूसरे 2 loop में से ले लीजिए। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। एक और बात देख लीजिए, तो यार्न ओवर सर्कल के बीचों बीच आपको एक गैप मिल जाएगा, वहाँ आपको डालना है। 3 loop है, यार्न ओवर करके पहले 2 loop में से फिर दूसरे 2 loop में से। तो यहाँ मैंने 2 double crochet बना दिए हैं। इस तरह मैं इस राउंड में टोटल 10 double crochet बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। चेन 2 को आपको डबल क्रोशे काउंट नहीं करना है, तो वही एक डिफरेंस होगा। उसके अलावा 10 double crochet राउंड 1 में डालना है। ठीक है, यहाँ मैंने राउंड 1 फिनिश कर दिया है। हम थोड़ा काउंट कर लेंगे।
आप ऐसे देखेंगे तो आपको वी स्टिच की तरह दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, उसके बाद आपका दो चेन स्टिच आता है। तो 10 डबल क्रोशे हो गए। अब इस राउंड को फिनिश करने के लिए जो पहला जो डबल क्रोशे है, ये है हमारा पहला डबल क्रोशे, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे एक वी की तरह आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आपको एक स्लिप स्टिच करना है। देखिए इस तरह से चेन टू को आप इग्नोर, कम्प्लीटली इग्नोर कर लीजिए, और जो पहला डबल क्रोशे है उसमें आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा पहला राउंड फिनिश हो गया है। अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। अब से जब भी आप एक रो स्टार्ट करेंगे, आप चेन टू लगा लीजिए, 1 2, और इसका इसको जस्ट एक फिलर स्टिच की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो ये हो गया। अब जो पहला डबल क्रोशे है, ये देखिए ये जो वी दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दो डबल क्रोशे बनाना है। तो एक स्टिच में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ ये हमारा पहला डबल क्रोशे गया, और इसी में आपको एक और डबल क्रोशे डालना है। तो दो डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा। अब क्या करना है, इस राउंड में हर एक स्टिच में आपको दो डबल क्रोशे डालना है। तो देखिए ये नेक्स्ट वी है, इसमें हम दो डबल क्रोशे डालेंगे। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको दो डबल क्रोशे डालना है। ये पहला डबल क्रोशे हो गया, सेम यहीं पर आपको एक और डबल क्रोशे डालना है। तो दो डबल क्रोशे एक स्टिच में गया है। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ यहाँ फिर से दो डबल क्रोशे जाएगा, एक, और सेम यहाँ फिर से डबल क्रोशे। तो इस तरह मैं क्या करूँगी, हर एक स्टिच में दो डबल क्रोशे डाल दूंगी। तो पहले राउंड में हमारे पास 10 डबल क्रोशे थे। अब जब राउंड टू होगा तो हमारे पास 20 डबल क्रोशे होंगे, क्योंकि हम हर एक स्टिच में दो डबल क्रोशे डालेंगे। तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। देखिए यहाँ मैंने राउंड टू ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, हर स्टिच में दो डबल क्रोशे डाल दिया है। जब आप लास्ट में आएंगे, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ लास्ट स्टिच में आपको कोई स्टिच डालना है कि नहीं। अगर इस तरह का कोई आपके कोई कन्फ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा काउंट कर लीजिए। तो यहाँ आपके पास 20 डबल क्रोशे होने चाहिए, तो हम थोड़ा काउंट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दो डबल क्रोशे है यहाँ, 1 2, देन 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और उसके बाद हमारा चेन टू। तो यहाँ 20 हो गया है। तो यहाँ शायद आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ डालना है कि नहीं, वहाँ नहीं डालना है, यहाँ चेन टू जा रहा है। तो यहाँ टोटल 20 हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए सेम ये जो चेन टू है उसको इग्नोर करेंगे। देखिए ये हमारा पहला दो डबल क्रोशे है, तो जो ऊपर का पहला जो डबल क्रोशे है वहाँ आपको इस तरह भी मिलेगा, वहाँ आप एक स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा राउंड टू फिनिश हो गया है। अब हम राउंड थ्री की ओर जाएंगे। तो राउंड थ्री भी हम सेम चेन टू के साथ स्टार्ट कर लेंगे। तो 1 2, अब ये जो चेन राउंड थ्री है वो एक इंक्रीज का राउंड है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टिच में हम दो डबल क्रोशे डालेंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशे। तो यहाँ दो डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे के पैटर्न में जाएगा। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा पहला डबल क्रोशे। तो यहाँ आप पहले तो दो डबल क्रोशे डाल दीजिए पहले स्टिच में। तो एक डबल क्रोशे गया, सेम में एक और डालेंगे। तो दो डबल क्रोशे मतलब इंक्रीज। तो एक तो ये इंक्रीज हो गया है, दो डबल क्रोशे एक स्टिच में गया है। अब जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसमें आपको सिर्फ एक डबल क्रोशे डालना है। तो एक डबल क्रोशे यहाँ। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें फिर से दो डालेंगे। सो पुट टू डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच। तो ये एक, सेम यहाँ एक और। तो यहाँ दो हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हम सॉरी, तो दो हो गया है। देखिए अगर आपको कभी कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा स्प्लिट कर लीजिए, तो दिख जाएगा दो डबल क्रोशे एक स्टिच में गया है। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे जाएगा, उसके बाद जो स्टिच है उसमें दो डबल क्रोशे जाएगा। तो यही पैटर्न आपको रिपीट करना है।
दो डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा और जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसमें सिर्फ एक जाएगा। सो टू डबल क्रोशे वन डबल क्रोशे के हिसाब से आपको बनाना है। तो दो डबल क्रोशे जब भी आप देखेंगे तो उसको हम इंक्रीज भी कहते हैं। तो उस तरह से मैं इस राउंड को भी थोड़ा फिनिश कर लूँगी। तो देखिए ये एक है, ये दो डबल क्रोशे है, फिर एक, फिर दो, इस तरह से इस राउंड को आपको पूरा फिनिश करना है। और जब आप इस रो को फिनिश करेंगे, इस राउंड को फिनिश करेंगे, तो आपके पास 30 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ मैंने राउंड थ्री पूरा कंप्लीट कर दिया है, मैंने काउंट किया है, मेरे पास 30 डबल क्रोशे हैं। जब भी आप बिगनर हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हर एक राउंड करने के बाद आप चेक कर लीजिए आपके पास उस राउंड का स्टिच है कि नहीं, उससे आपको गलती कम होगी। स्पेशली जब आप सर्कल बना रहे हैं तो स्टिचेस अगर थोड़ा ज़्यादा या कम हो गया तो शेप कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो हर एक राउंड करने के बाद स्टिचेस थोड़ा काउंट कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे मेरा सेकेंड लास्ट स्टिच में दो डबल क्रोशे गया था, लास्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था ये जो चेन टू है उसको हम स्किप करेंगे और जो पहला जो डबल क्रोशे है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से काउंट कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा 30 है कि नहीं, आपको वो इंश्योर करना है कि 30 है कि नहीं। अब हम राउंड फोर स्टार्ट करेंगे। राउंड फोर भी चेन टू के साथ राउंड फोर भी चेन टू के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और इसका जो पैटर्न है वो है दो डबल क्रोशे फिर एक एक, उस हिसाब से हम जाएंगे। तो पहला जो स्टिच है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब दो डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा। तो दो डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट दो स्टिचेस आता है उसमें एक एक करके हम डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो इसे हम चेन टू के साथ ही स्टार्ट करेंगे, वन टू, उसके बाद ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशे है, तो वहाँ हम इंक्रीज करेंगे, मतलब वहाँ हम दो डबल क्रोशे लगाएंगे एक, यहाँ फिर से एक और, दो डबल क्रोशे यहाँ गया है। अब जो नेक्स्ट दो स्टिचेस है उसमें सिर्फ एक डबल क्रोशे पड़ेगा, तो यहाँ एक डबल क्रोशे पड़ेगा, उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें भी एक ही डबल क्रोशे पड़ेगा। अब उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें फिर से हम दो डबल क्रोशे डालेंगे, तो यहाँ एक, यहाँ सेम यही स्टिच पे एक और डालेंगे, तो यहाँ दो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट दो स्टिचेस है उसमें सिर्फ एक एक डबल क्रोशे पड़ेगा, तो यहाँ एक डबल क्रोशे डालेंगे, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो इस पैटर्न को आपको थोड़ा रिपीट करना है, मतलब अब जो नेक्स्ट स्टिच है वो इंक्रीज का स्टिच है, इंक्रीज मतलब एक स्टिच में दो डबल क्रोशे, तो एक स्टिच में दो डबल क्रोशे गया है। उसके बाद जो दो स्टिचेस आते हैं उसमें एक एक बनाना है, एक डबल क्रोशे और फिर से एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं इस राउंड को थोड़ा रिपीट करती हूँ। तो इस राउंड में आपको दो डबल क्रोशे फिर एक डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे के हिसाब से इसको पूरा फिनिश करना है। और जब ये राउंड फिनिश होगा तो यहाँ आपके पास 40 डबल क्रोशे होंगे। तो पहले में 10 डबल क्रोशे, दूसरे में 20, 30, 40, तो इस हिसाब से हम इस सर्कल को बड़ा करेंगे। अब उसके बाद 50 होगा, फिर 60, ये जो जितना जितने डबल क्रोशे से आपने स्टार्ट किया था उस हिसाब से आप हर राउंड में बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड फोर फिनिश कर दिया है और अगर आप देखेंगे तो मेरा लास्ट का एक डबल क्रोशे और उससे पहले दो, तो आपको हमेशा एक डबल क्रोशे में एंड करना है, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ दो होगा, तो वह सर्कल का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। तो दो डबल क्रोशे एक एक में आपको एंड करना है। आप पहले की तरह चेन टू को स्किप कर लीजिए और जो पहला डबल क्रोशे है देखिए ये है दो डबल क्रोशे, तो ये जो ऊपर का है वहाँ आपको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमारा राउंड फोर कंप्लीट होगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ये सर्कल को कैसे बढ़ाना है, तो चेन टू से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे राउंड फाइव में, उससे पहले राउंड फोर में हमने क्या किया था,
दो डबल क्रोशे एक स्टिच में डाला था, उसके बाद जो दो स्टिच था उसमें सिर्फ एक एक डाला है। अब जब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे तो पहले हम इंक्रीज करेंगे, मतलब पहले स्टिच में दो जाएगा और जो नेक्स्ट का जो तीन स्टिचेस आएगा उसमें हम सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, दो एक एक एक, उस हिसाब से हम इस राउंड को बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ हम पहले दो डबल क्रोशे से इंक्रीज से स्टार्ट करेंगे, तो ये एक सेम में एक और डालना है दो। तो यहाँ दो डबल क्रोशे डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट तीन स्टिचेस जो आते हैं उसमें सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी एक ही डबल क्रोशे जाएगा और उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें भी हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, तो दो डबल क्रोशे यहाँ बनाया है, उसके बाद तीन स्टिचेस में सिर्फ एक डबल क्रोशे डाला है। अब जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसमें हम दो डबल क्रोशे डालेंगे, मतलब एक इंक्रीज का एक स्टिच है। देखिए, दो डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा और जो नेक्स्ट तीन स्टिचेस आते हैं उसमें हम सिर्फ एक डबल क्रोशे ही डालेंगे। तो ये एक, ये दूसरा और एक और डालना है ये तीसरा। तो ये वन टू थ्री के हिसाब से यहाँ जाएगा। तो इस तरह से आप इस राउंड को भी पूरा फिनिश करते सकते हैं। तो मतलब दो डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे के हिसाब से हम इस राउंड को फिनिश करेंगे। और इस राउंड को जब आप फिनिश करेंगे तो आपके पास टोटल 50 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने राउंड 5 कम्प्लीट कर दिया है और मेरे पास 50 डबल क्रोशे है। अब हम इसे फिनिश करेंगे। तो जो हमारा पहला डबल क्रोशे है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे। तो ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो हम जब भी कोई राउंड करेंगे तो चेन 2 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो राउंड 5 में हमने क्या किया था, एक इंक्रीज किया था, मतलब दो डबल क्रोशे एक चेन में गया था, उसके बाद जो नेक्स्ट तीन स्टिचेस है उसमें हमने एक एक डबल क्रोशे डाला है और उसके बाद फिर से इंक्रीज। तो अगर आपको अभी इसको बढ़ाना है तो अगर आप राउंड 6 जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चेन 2 से स्टार्ट करेंगे और पहले स्टिच में दो डबल क्रोशे जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट चार जो स्टिचेस है उसमें आपको एक 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 डबल क्रोशे डालना है। मतलब अगर राउंड 5 में आपने तीन स्टिचेस में एक डबल क्रोशे किया है तो उसके बाद जो राउंड आएगा उसमें आपको चार स्टिचेस में एक डबल क्रोशे करना है। उसके बाद का अगर आप फिर से बढ़ाना चाहेंगे तो पांच स्टिचेस में आपको एक एक डबल क्रोशे बनाना है, मतलब पांच के बाद इंक्रीज करना है। तो इस हिसाब से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना इसे बड़ा बना सकते हैं। तो ये था एक बेसिक फ्लैट सर्कल का पैटर्न। अब जब आप ये सर्कल बना रहे हैं तो दो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एक है आपका ये जो फ्लैट सर्कल है ऐसे थोड़ा मुड़ जाएगा या झोल पड़ जाएगा। अगर आपका जब भी आप सर्कल बना रहे हैं और आपका ऐसे कटोरी की तरह मुड़ रहा है, उसका मतलब है आपके पास आपका जो स्टिचेस है वो थोड़ा कम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा साइज का एक हुक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 4 mm से बना रही हूँ और ये ऐसे कटोरी की तरह बन रहा है, तो आपको अपने हुक साइज़ को थोड़ा बड़ा बनाना है। तो या आप 4.5 या 5 mm से बना सकते हैं। अगर झोल पड़ रहा है, मतलब आपके स्टिचेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको जो आप नीडल साइज़ जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप कम कर लीजिए। तो क्या होगा, स्टिचेस थोड़े पतले हो जाएंगे और झोल थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक फ्लैट सर्कल का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।